नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इनकी नियुक्ति हुई है 11 अप्रैल 2016 को, और जो एफआईआर का जिक्र किया जा रहा है, एफआईआर भी सन 2016 में, तो क्या ये संयोग है? दूसरा सवाल कि इनके ऊपर एफआईआर थी, एफआईआर होने के बावजूद इनको, या तो एफआईआर, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, या तो एफआईआर के पहले इनकी, क्योंकि वो जूनियर एफआईआर है और अभी हमारे हाथ में एफआईआर की कॉपी नहीं है, तो हम ये दावा नहीं कर सकते कि एफआईआर इनके नौकरी लगने के पहले थी, या इन्होंने नौकरी लग के ही पहला काम यह किया कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। दोस्तों, इस समय थोड़े दिन पहले, अभी हाल ही में, वैसे विरा महानगर पालिका में एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ था। 55 बिल्डिंगों के बोगस सीसी ओसी और यहां तक कि हर एक चीज बोगस पाई गई थी। उस मामले पर विरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई और परत दर परत कई चीजें उसमें खुलती चली गई। इसी दरमियान महानगर पालिका हरकत में आई और महानगर पालिका ने भी धड़ाधड़ अलग अलग बिल्डिंगों के ऊपर केस करने शुरू कर दिए। तो हाल ही में महानगर पालिका ने एक बिल्डिंग के ऊपर केस किया, जिसके बाद एक गुमनाम प्रेस नोट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज की मेरी खबर है इस प्रेस नोट के ऊपर है। इस प्रेस नोट में काफी संगीन आरोप महानगर पालिका ऊपर लगाए गए हैं और महानगर पालिका के एक अधिकारी को लेकर संदेह जताया गया है। उस अधिकारी के बारे में हम बात करेंगे इस प्रेस नोट के बाद में, लेकिन उसके पहले ये बता दूं कि पत्रकार होने के नाते मेरा फर्ज है कि किसी भी चीज को, किसी भी न्यूज को, खबर को पूरी तरह से छानबीन करके आपके सामने रखूं। तो जब मैं इसमें छानबीन कर रहा था तो कुछ चीजें ऐसी मेरे ख्याल में आई, नजर में आई, वो चीजें मैं आगे रखूंगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वह जो चीजें मेरी नजर में आई है, वह चीजें ये प्रेस नोट निकालने वाले के जहन में भी नहीं थी। प्रेस नोट गुमनाम प्रेस नोट है, मराठी का प्रेस नोट है, और सोशल मीडिया में हिंदी में भी एक प्रेस नोट आया है। मैं आपको पूरा हिंदी का प्रेस नोट पढ़ के सुनाऊंगा अभी, लेकिन फिर एक बार बोल देता हूं कि आप वीडियो को आगे जरूर देखिए। अगला जो पार्ट है वीडियो का, जिसमें मैं जो खुलासे करने जा रहा हूं, जो मेरी नजर में आया और मैं आपको दस्तावेज बता के वो खुलासे करूंगा, तो वो जरूर देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं ये प्रेस नोट। तो ये मामला शुरू होता है प्रेस नोट के शुरू में लिखा हुआ, एक बार फिर वसई विरार मानपा का भ्रष्ट शासन हुआ उजागर, मिलीभगत से गंभीर अपराध में से आरोपी अमित पी राणे का नाम हटाया। ये नाम आप याद रखना, अमित पी राणे। आगे लिखा है सीसीओसी जैसे फर्जी दस्तावेज बनाकर विरार में बनाई गई 55 इमारतों का मामला पूरे महाराष्ट्र में जग जाहिर है। इस संबंध में वसई विरार नगर पालिका और विरार पुलिस देर सवेर एक्शन मोड में आ गई है। इन सभी मामलों के बाद प्रभाग समिति सी के नवनियुक्त प्रभारी सहायक आयुक्त ने तत्परता दिखाते हुए विरार शहर में बोगस दस्तावेजों के आधार पर बनाई गई 3 अनाधिकृत इमारतों के निर्माण के मामले में 9 अगस्त को विरार पुलिस स्टेशन में आपराधिक और एमआरटीपी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें विरार पुलिस स्टेशन में गुनाह रजिस्टर नंबर 778/2023 के अनुसार विरार फूलपड़ा इलाके में सर्वे नंबर 88 हिस्सा नंबर 2 में बनाई गई विनायक अपार्टमेंट बिल्डिंग नंबर 3, जिसमें फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाकर उन्हें असली के रूप में उपयोग करना, उनके आधार पर प्रशासन, ग्राहक और विभिन्न वित्तीय संस्थानों के साथ वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में आरोपी जमीन मालिक चंद्रकांत यशवंत पाटिल और अन्य के साथ साथ डेवलपर श्री राजहंस एंटरप्राइजेज के मोहन मात्रे के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। अब प्रेस नोट में आगे लिखा है, परंतु मामले को दर्ज करते समय रजिस्ट्रार कार्यालय 3 के में पंजीकृत दस्तावेज क्रमांक 8707/2013 के प्रश्न क्रमांक 19 और 20 पर उपरोक्त सर्वे क्रमांक 88 शेयर नंबर 2 इस जमीन के पावर ऑफ अटॉर्नी श्री अमित पी राणे का नाम इस पूरे मामले से जानबूझकर हटाया दिया गया है। जो ऊपर आपको नाम बताया था अमित पी राणे, ये नाम अब यहां पर सामने आया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो फिर लिखा हुआ है संबंधित मामले पर अपना पक्ष रखते हुए वसई मनपा प्रशासन के अनाधिकृत विभाग के उपायुक्त ने कहा है कि मनपा प्रशासन ने 2022 में ही यह सब उजागर कर दिया था। हम सभी जानते हैं महानगर पालिका को, जब अभी इस तरह से इतना सब मामला हो रहा था, तब महानगर पालिका के उपायुक्त ने विभिन्न मीडिया को बयान देते हुए कहा था कि 2022 में ही हमने यह मामला उजागर कर दिया था और हमने
बिल्डिंग को अनाधिकृत घोषित कर दिया था, एक बार सील भी लगाए थे दूसरी बिल्डिंग को। तो अब इस प्रेस नोट में सवाल उठाया गया कि फिर सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो पालिका को इस अनाधिकृत इमारत निर्माण के मामले में मुकदमा दर्ज करने में 14 महीने क्यों लग गए, एक वैलिड क्वेश्चन है। और इन इमारतों के निर्माण के दौरान पालिका प्रशासन क्या कर रहा था। इससे आगे बढ़ते थे, इस प्रेस नोट में लिखा है इस मामले के संबंध में विस्तृत जानकारी है कि इस इमारत के सीसी की सच्चाई के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। जैसा मैंने अभी आपको पहले कहा कि ये गुमनाम प्रेस नोट है, तो आपको बता दूं एक राजकीय पक्ष के नेता ने इस मामले को लेकर कई फॉलोअप किया था और उसी का जिक्र इसमें किया गया है, जो उसका नाम जाहिर नहीं किया गया लेकिन इसका जिक्र उन्होंने आगे किया। तो जानकारी मांगी गई थी जिसका उत्तर देते हुए शहरी नियोजन विभाग नगर रचना विभाग ने स्पष्ट किया था कि उस स्थान पर ऐसे किसी निर्माण की अनुमति नहीं दी गई। उक्त सूचना पत्र के संदर्भ में आए साथ ही उप रजिस्ट्रार कार्यालय 3 में पंजीकरण के दौरान उपयोग किए गए नकली सीसी के संबंध में एक आवेदन माननीय उप संचालक नगर नियोजन विभाग महाराष्ट्र सरकार को किया गया था। इस शिकायत आवेदन को मद्देनजर रखते हुए माननीय उप निदेशक ने सबसे पहले वार्ड समिति सी के सहायक आयुक्त को मामले के संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये मैं आपको फिर से प्रेस नोट ही सुना रहा हूं। आगे बढ़ते हुए, इसके बाद इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता और वार्ड समिति सी के सहायक आयुक्त के बीच 14 महीने के संघर्ष चलता रहा, जिसमें शिकायतकर्ता और एक राजनीतिक दल के पदाधिकारी ने लगातार फॉलोअप किया और समय समय पर शिकायत दर्ज की, जो मैंने आगे कहा था यहां उसका जिक्र किया गया। और माननीय उप निदेशक शहरी नियोजन विभाग महाराष्ट्र सरकार से अपील की, परंतु तत्कालीन सहायक आयुक्त गणेश पाटिल ने जानबूझकर भ्रष्ट रवैया अपनाते हुए माननीय उप निदेशक के हर निर्देश को नजरअंदाज कर दिया। मैं आगे बढ़ू उससे पहले आपको यह भी बता देता हूं कि गणेश पाटिल का जो नाम आया, गणेश पाटिल इस मामले में फरियादी था, लेकिन वो मामला उन्होंने फरवरी में दर्ज करवाया था और उसके बाद आज स्थिति है कि गणेश पाटिल को निलंबित किया गया है, क्योंकि गणेश पाटिल महानगर पालिका में अरुण एम जानी जिन्होंने पैसे का अपहार किया था उनके खिलाफ इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की थी, इसके लिए इनको निलंबित किया जा चुका है। खैर, फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने इस प्रेस नोट के ऊपर। तो आगे इसमें लिखा है कि गणेश पाटिल ने जानबूझकर भ्रष्ट रवैया अपनाते हुए माननीय उप निदेशक के हर निर्देश को नजरअंदाज कर दिया। गणेश पाटिल है ही वैसा ही, और दोषी डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यथासंभव देरी करने की कोशिश की। यह गणेश पाटिल पर आरोप इनमें लगाए गए हैं, लेकिन इसमें वास्तविकता है वो सबके सामने आ चुकी है। इस देरी के पीछे वार्ड समिति सी के अतिक्रमण एवं अनाधिकृत विभाग के वरिष्ठ लिपिक। अब मैं यहां आपका ध्यान चाहूंगा, ये जो मामला है, ये मामला इसमें अब तक गणेश पाटिल का नाम आ रहा था, अब वरिष्ठ लिपिक विजय गोतमारे का नाम भी इसमें सामने आया है और उसकी भूमिका पर यहां सवाल या निशान लगाए गए हैं। और उसी विजय गोतमारे की बारे में मैंने जो जानकारी निकाली, जो मैंने आगे वीडियो में कहा था, उसमें जो मेरे को जो जानकारी सामने आई वो शॉकिंग जानकारी है, उसके खुलासा मैं आगे करूंगा। तो प्रेस नोट में लिखा है कि अनाधिकृत विभाग के वरिष्ठ लिपिक श्री विजय गोतमारे की विशेष भूमिका रही और उनके हस्तक्षेप के कारण ही आरोपी श्री अमित पी राणे को मामले से हटाने के लिए एमआरटीपी नोटिस जारी करते समय बिना किसी सत्यापन के श्री अमित पी राणे का नाम जानबूझकर नोटिस से हटा दिया गया था। तो जैसा कि शुरू में नाम आया अमित पी राणे, अभी नया नाम आया विजय गोतमारे, और इसमें दावा किया जा रहा है इस प्रेस नोट में कि जो ये बिल्डिंग बनी है तो इसमें कुल मुख्तियार पत्र पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो है वो अमित पी राणे हैं। और जब कोई बिल्डर या जमीन मालक के ऊपर गुनाह दर्ज होता है तो जाहिर सी बात है पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो है वो बीच की कड़ी है, उसके ऊपर भी मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन उसका नाम जानबूझकर हटा दिया गया है। अब इसमें क्या कट है उसकी बात इस प्रेस नोट में की गई है। तो आगे लिखा है, क्योंकि खुद वरिष्ठ लिपिक विजय गोतमारे पर विरार पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज है, तो जिसमें लिखा गया है कि 219/2016 जिसमें अनाधिकृत निर्माण और झूठे प्रशासन दस्तावेजों का इस्तेमाल असली के रूप में किए जाने के कारण एमआरटीपी और विभिन्न अनुचित आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि श्री अमित पी राणे के इस अपराध में विजय गोतमारे भी सह अभियुक्त है। तो ये जो इसमें यह दावा किया जा रहा है कि 2016
2016 में एक मामला दर्ज हुआ था। उस मामले में पूर्व में एक बिल्डिंग बनाई गई थी इल्लीगल, उसके ऊपर कई धाराएं हैं, मैं आपको बाद में इसके बारे में बताता हूं। उन धाराओं में मामला दर्ज हुआ था, तो उसमें अमित पी राणे और विजय गोटवारे दोनों ही अभियुक्त थे। वो मामला आज भी कोर्ट में विचाराधीन है। अब पहले प्रश्न और आगे बढ़ते हैं, और शायद इसीलिए वरिष्ठ लिपिक विजय गोटवारे ने विरार पुलिस स्टेशन दर्ज केस में अपने पुराने साथी श्री अमित पी राणे को इस मामले से सही सलामत निकालने के प्रशासनिक कार्य में हस्तक्षेप करके सहायक आयुक्त वार्ड समिति सी को गुमराह किया और ऐसा करने के लिए उन्हें आर्थिक लाभ तक मिला, ऐसी भी चर्चा है। यह प्रेस नोट में आरोप लगाया गया। इसके नीचे प्रेस नोट में लिखा गया है, श्री विजय गोटवारे द्वारा वार्ड समिति सी के अतिक्रमण विभाग के वरिष्ठ लिपिक के रूप में कार्यभार संभालने के बाद विरार में कई भूमाफियाओं ने अपने अनधिकृत निर्माण पूरे जोरों शोरों से शुरू कर दिए। तो क्या श्री विजय गोटवारे इन सभी अनधिकृत बांधकाम माफिया को गुप्त रूप से मदद तो नहीं कर रहे थे? ये सवाल उठा रहे हैं। वे अपने वित्तीय लाभ के लिए इन अनधिकृत बांधकाम माफिया को आश्रय तो नहीं दे रहे? ऐसा सवाल भी आगे उठाया गया है। इसके बाद प्रेस नोट में कंटिन्यू करूं, इस गंभीर मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ये अमित राणे वास्तव में कौन है? आखिर अमित राणे किसके फ्रंटमैन है? उसका असली मास्टरमाइंड कौन है? इस सबका सवाल उठाया हुआ है। और साथ ही साथ अमित राणे किसके साथ और किस तरह का आर्थिक हित संबंध है? अमित राणे किस राजनीतिक नेता के कार्यालय में वेतनभोगी कर्मचारी है? ये सब सवाल उठाए गए हैं। बाद में लिखा गया, इतने गंभीर अपराध में अहम आरोपी होने के बावजूद अमित राणे किसके हस्तक्षेप के कारण आजाद घूम रहा है? सिर्फ अमित राणे को ही इस केस से बाहर करने की कोशिश क्यों की जा रही है? ऐसा एक नहीं कई सवालों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है, और इसलिए अमित राणे से संबंधित इस मामले की गहन पड़ताल होकर वास्तव में अमित राणे का कर्ता धर्ता कौन है, इस पर शोध करना बहुत जरूरी है। आगे प्रेस नोट में लिखा है, इसी तरह वसई विरार शहर महानगर पालिका की स्थिति इतनी खराब क्यों है कि मनपा प्रशासन को विजय गोटवारे जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के भ्रष्ट व्यक्ति को अतिक्रमण अनाधिकृत विभाग का वरिष्ठ लिपिक नियुक्त करना पड़ा? क्या विजय गोटवारे के अलावा नगर निगम का कोई दूसरा अधिकारी नहीं मिला? विरार पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के अनुसार वार्ड समिति सी में विजय गोटवारे पर अनाधिकृत निर्माण करने और झूठे प्रशासन दस्तावेज का सच के रूप में इस्तेमाल करने संबंधी धोखाधड़ी और एमआरटीपी जैसे गंभीर अपराध को अंजाम देने का मामला दर्ज है। उसके बावजूद भी विजय गोटवारे को वार्ड समिति सी विभागों में अतिक्रमण और अनाधिकृत विभाग के वरिष्ठ क्लर्क जैसे महत्वपूर्ण पद पर कैसे और किसकी कृपा दृष्टि से नियुक्त किया गया, यह भी गहन जांच का विषय है। यह सवाल उठाया गया है। और लास्ट में नीचे लिखा है, तथापि मीडिया के माध्यम से माननीय आयुक्त साहब वसई विरार नगर निगम से निवेदन है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल विस्तृत एवं गहन जांच कर दोषी लोगों पर कार्यवाही की जाए। विनम्र अनुरोध है कि इन सभी अनाधिकृत बांधकाम माफिया और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, जो अपराधी को समर्थन करके उन्हें इस मामले में सही सलामत बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हुआ पूरा प्रेस नोट जो अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा, मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अब इस पूरे प्रेस नोट में जो चीजें सामने आई, मैंने समय समय पर आपको बताया, अभी दो पक्ष का नाम आया, अमित पी राणे और विजय विनोद गोटवारे। तो क्या मामला है? तो पहले ये बता दूं कि वसई विरार महानगर पालिका में विजय विनोद गोटवारे एक अतिक्रमण अधिकारी है, अभी हाल ही में प्रभाग समिति सी में चंदनसार में, और 2016 में इनके ऊपर एक मामला FIR दर्ज है, ऐसा इस प्रेस नोट में आरोप लगाया गया। और सिर्फ आरोप ही नहीं लगाया गया है, कोर्ट में चल रहे केस की कुछ स्क्रीनशॉट जो है वो भी इसमें शेयर किए गए। वो स्क्रीनशॉट में उनका नाम आप देख सकते हैं, हालांकि वहां अगर पर टेक्निकली टाइपिंग मिस्टेक है तो गोटवारे की जगह गोलमारे भी लिखा गया है, लेकिन नीचे एक दस्तावेज आगे है, एक दस्तावेज आप देखेंगे उसमें 2010 में यह सौदा हुआ था, और उस 2010 में जो कागज बना था, जिस जो नोंदणी रजिस्ट्रार कार्यालय की है, उसमें विजय विनोद गोटवारे नाम पूरा लिखा हुआ है, लेकिन पता कुछ भी नहीं है। जो आदमी जमीन बेच रहा है उसका नाम है, पता नहीं है। यह तो हुई बात प्रेस नोट से संबंधित। अब जो मैंने पहले कहा कि इस बारे में मैंने कुछ पड़ताल की, तो क्या क्या निकल कर आया। तो सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि मीडिया हूं, मेरा काम है कि मैं सच्चाई की पड़ताल करूं। तो मैंने इस मामले पर सीधा विजय गोटवारे को फोन किया,
और उनका पक्ष जानना चाहे कि इस तरह से प्रेस नोट वायरल हो रहा है तो उस पर आपका क्या कहना है। तो उन्होंने पूरे मामले को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वो झूठे और ये कह के बात टाल दी कि मैं भी कार्यवाही में हूं, कुछ काम में हूं और बाद में बात करता हूं करके उन्होंने फोन कट कर दिया। तो विजय गोतमारे ने अपने पर लगे आरोप जो है उसको पूरा खारिज कर दिया। लेकिन आरोप लगे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आरोप सही है या प्रेस नोट सही है, लेकिन अगर आरोप लगे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विजय गोतमारे गलत है, लेकिन फिर भी अगर आरोप लगे हैं तो उसकी जांच तो होनी चाहिए। यह प्रेस नोट गुमनाम प्रेस नोट क्यों निकला, किसने निकाला, यह विषय नहीं है। विषय यह है कि इसमें क्या कहा गया है, इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार है वो कैसे उजागर होगा, कैसे खुलेगा। अब मैं आता हूं अपने असली मुद्दे पर। विजय गोतमारे की जो बात कही जा रही है कि विजय गोतमारे तुम तो मैंने कुछ पड़ताल की, कुछ डॉक्यूमेंट निकाले, और मेरे पास रसेविरा महानगर पालिका की लिपिक की ज्येष्ठता यादी है। ये लिपिक की ज्येष्ठता यादी में मैंने पूरा इसको देखा है, छाना है, तो एक ही विजय विनोद गोतमारे नाम निकला है। यानी कि एक विजय विनोद गोतमारे के सिवा दूसरे कोई नहीं है। और जिस किसी ने यह प्रेस नोट डाला है तो उसने भी जाहिर सी बात है कि पूरी सच कहीं ना कहीं कुछ हद तक या काफी हद तक सच्चाई का पता लगा कर इस प्रेस नोट में इस नाम का जिक्र किया होगा। अब ये वसेविरा महानगर पालिका में जो विजय विनोद गोतमारे हैं, इनके जो मैं जो खुलासे कर रहा हूं वो इस पूरे मामले से काफी हटकर है और वो मामले काफी संगीन है। और भी दरअसल विजय विनोद गोतमारे का पूरा डिटेल इसमें है, आप देख सकते हैं कैमरे पर। 30 मार्च 1982 इनका जन्म तारीख है, 10वीं पास है, इन्होंने डिप्लोमा किया है एनिमल हस्बेंड्री में, MScIT टाइप ME, ये इसमें इनकी एक क्वालिफिकेशन है। इनकी नियुक्ति हुई है 11 अप्रैल 2016 को, और जो FIR का जिक्र किया जा रहा है, FIR भी सन 2016 में, तो क्या ये संयोग है, क्या ये संयोग है, एक सवाल। दूसरी बात, 11 अप्रैल 2016 में नियुक्ति कैसे हुई, ये भी सवाल है। इनको महानगर पालिका में कैसे लिया गया, तो इनको लिया गया अनुकंपा में। अनुकंपा का मतलब है जब किसी के परिवारजन जो किसी सरकारी कार्यालय में काम करते हो, सरकारी नौकरी में कोई हो और वो सरकारी नौकरी में रहते गुजर जाए, या 55 साल की उम्र में उनको ऐसी बड़ी तकलीफ हो जाए कि जिस वजह से उनको मेडिकल आधार पर उनको रिटायरमेंट लेना पड़े, वो काम करने के लायक ही न हो, तो उस मामले में उनके गुजरने के या उनके रिटायरमेंट के 5 से 7 साल के बाद उनके परिवार में आश्रित उनको अनुकंपा पर नौकरी मिलती है। इसमें कई चीजें हैं, इसमें सबसे अहम यह है कि अनुकंपा पर नौकरी पाने का हकदार कौन। तो हकदार जब कोई इंसान अगर मर गया तो उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, वो हकदार है। अगर समझो अविवाहित था तो उसका भाई है, वो हकदार है। लेकिन इसमें भी एक क्लोज है, इसमें एक क्लोज है कि अनुकंपा पर अगर लगना है तब पिता की जगह, या अभी ये किसकी जगह पे लगे इसकी जानकारी मुझे नहीं है फिलहाल, लेकिन जिसकी भी जगह पे लगे, जो क्लोज और जो नियम है वो है कि शादीशुदा आदमी अनुकंपा पर नहीं लग सकता है। तो इनकी 1982 इनकी जन्म तारीख है और 2016 यानी कि 82 से 12, 30 साल, उसके बाद में 16, 34 साल तक क्या यह अविवाहित थे, एक सवाल। दूसरा सवाल कि इनके ऊपर FIR थी, FIR होने के बावजूद इनको, या तो FIR, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि या तो FIR के पहले इनकी, क्योंकि वो जूनियर FIR है और अभी हमारे हाथ में FIR की कॉपी नहीं है, तो हम ये दावा नहीं कर सकते कि FIR
इनके नौकरी लगने के पहले थी या इन्होंने नौकरी लग के ही पहला काम यह किया कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। अब एक और इसमें बड़ी चीज है जो मैंने बताया कि ये नौकरी के हकदार थे ही नहीं, क्योंकि ये 100% शादीशुदा थे। अब सबसे बड़ा अनुकंपा का जो नियम है वह नियम क्या कहता है कि ऐसे ही आश्रित को मिलेगा जिनका कोई गुजारा करने का कोई दूसरा साधन नहीं है। मतलब अगर कोई गुजर जाता है या कोई उनके पीछे जो उनके आश्रित है वो बेसहारा हो गए, उनके पास किसी तरह का कोई व्यापार बिजनेस नहीं है या कोई कुछ ऐसा नहीं है, तभी उनको अनुकंपा पर नौकरी हासिल हो सकती है। जबकि ये जो दस्तावेज आपको आगे दिखाया था रजिस्ट्रार कार्यालय का, जिसमें विजय गोतमारे का नाम था और उसी विजय दस्तावेज के आधार पर विजय गोतमारे के ऊपर एफआईआर हुई थी, तो वो दस्तावेज में सन 2010 लिखा हुआ है, यानी कि ये नौकरी में आने से पहले बांधकाम व्यवसायी के साथ पार्टनर का बिजनेस कर रहे थे। तो अगर कोई एक बिजनेस कर रहे हैं अच्छे से वेल सेटल्ड है तो उनको अनुकंपा पर नौकरी किस तरह से दी गई, किसके कहने पर दी गई, यह बड़ा सवालिया निशान है। वैसे विरार महानगर पालिका अस्थापना विभाग के ऊपर, क्या अस्थापना विभाग ने इन सब चीजों को, नियमों को देखा नहीं? ये एक बहुत बड़ा, सिर्फ विजय गोतमारे नहीं पूरे के पूरे अस्थापना विभाग के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। विजय गोतमारे का 2040 में 31 मार्च 2040 में रिटायरमेंट होना है, एक कंटिन्यूटी में बात करूं तो विजय गोतमारे की हम बात कर रहे हैं 2016 में। मैं पूरी बात एक बार फिर से रिपीट कर लूं, 2010 में इन्होंने एक बिल्डर के साथ बिल्डिंग बनाई और लोगों को बेचा, उसमें फॉर्जरी की 420 का गुना दर्ज है, 420 और एमआरटीपी कायदा भी उसमें दर्ज है। वो 2016 में हुआ जो एमआरटीपी हुआ, 420 हुआ, लेकिन 2016 में ये नौकरी में भी आया, तो ये दोनों इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये बड़ी गहरी सोची समझी साजिश है, सोचा समझा वेल प्लान्ड, मतलब प्लानिंग किया हुआ ये पूरा एक क्राइम है। साथ ही साथ अब सबसे बड़ी हंसी आती है वसई विरार महानगर पालिका के कार्य प्रणाली पर। वसई विरार महानगर पालिका में एमआरटीपी नोटिस अगर किसी को निकाला जाता है और एमआरटीपी नोटिस निकालने के बाद में अगर गुनाह दर्ज होता है तो प्रक्रिया क्या हुई? एक जो सामान्य आदमी होने दो, अभी यहां मैं शासकीय कर्मचारी पर बात में आता हूं, सामान्य आदमी होने दो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसके ऊपर एमआरटीपी लागू हुआ तो इसका मतलब महानगर पालिका ने यह सब कुछ सहनिशा कर लिया कि इसके पास जो डॉक्यूमेंट है या तो फोर्जरी है या तो है ही नहीं, गलत है, और उसके आधार पर वो एमआरटीपी दाखिल होती है और उसके आधार पर महानगर पालिका, इनके ऊपर तो फोर्जरी का गुना भी है, वो और बड़ा क्राइम है, एमआरटीपी से भी बड़ा क्राइम फोर्जरी का है, क्योंकि एमआरटीपी तो तब भी लगती है जब जमीन मालक खुद भी बिना परमिशन के अगर बांधकाम करता है तब भी एमआरटीपी लगती है, लेकिन यहां पेपर पूरे यहां वहां किए गए थे, 420 का गुना में है। तो खैर, अब जब आम आदमी के ऊपर भी एमआरटीपी दाखिल होता है तो महानगर पालिका कागज पत्र देखती है, मैं ये बात कर रहा था। अब ये सरकारी नौकर, शासकीय कर्मचारी, जैसा मैंने कहा कि ये पूरी जानकारी नहीं है कि एमआरटीपी दाखिल इनकी नौकरी में दाखिल होने से पहले हुआ या बाद में हुआ, ये मायने भी नहीं रखता है, लेकिन एमआरटीपी दाखिल हो गया तो इसका मतलब ये साबित हो गया कि इन्होंने वहां पर फोर्जरी की है। तो सामान्य से दूसरे मामलों में भी जहां कोई एफआईआर होती है और एक कर्मचारी या अधिकारी की उस एफआईआर के होने के चलते उसको नौकरी से निकाला जाता है, उसको हटाया जाता है, तब फिर वापस उसको लिया नहीं जाना चाहिए। तो विजय गोटमारे को किस आधार पर महानगर पालिका ने नौकरी में आज तक बिना बनाए रखा है, यह सवाल बड़ा है। और इतना ही नहीं, इनको आज तक नौकरी में भी बनाया गया है और इनको प्रमोशन पदोन्नति भी दी गई है। तो ये खेल क्या है, ये पूरा का पूरा
मामला क्या है काफी संगीन है। और ये इसमें एक चीज आपको बताना भूल गया था, अनुकंपा पर 2016 में लगे थे और 2016 में ही 11 अप्रैल 2016 में अनुकंपा पे लगे, 11 अप्रैल 2016 में ही इनको नियमित वेतन उसी दिन से देना शुरू हो गए और 11 अप्रैल 2016 से ही इनको पदोन्नति भी मिल गई। 10वीं पास 2016 में नौकरी पे लगे, 11 अप्रैल 2016 उसी दिन नियमित वेतन मिला और उसी दिन पदोन्नति हुई। तो ये भ्रष्टाचार काफी बड़ा है। वो जो प्रेस नोट आया वो गुमनाम प्रेस नोट था, ये दस्तावेज महानगर पालिका के है। तो कहीं ना कहीं अब ये है कि इस पूरे मामले पर एसआईटी जांच होनी चाहिए, एक बड़े लेवल पर सीआईडी या एसआईटी जांच होनी चाहिए, तभी जाकर ये मामला पूरी तरह से खुल पाएगा। जब किसी को पुलिस को या एसआईटी को चाहिए, मेरे पास से जो मेरे पास अवेलेबल है मैं उनको देने को तैयार हूं। फिलहाल आज मैं अपनी बात यही रोकना चाहूंगा। और क्योंकि ये इतना बड़ा मामला है और अभी प्राइमरी तौर पर मेरे ध्यान में आया, मैंने आप सबके सामने रखा इस मामले पर, और भी मैं कोशिश करूंगा और भी सबूत जुटाऊं और भी जो हकीकत है सच्चाई है वो आपके सामने लाऊं, आगे की वीडियो में उसकी पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।